आंखें मैंने अपनी खोल के रखनी थी क्योंकि दे आर सो प्रोफेशनल, उनकी बहुत एक वो स्ट्रिक्ट किस्म की होती है चीज़ें, अगर वो नहीं हो रहा तो वो फिर नहीं करते, उनकी ना एक वो एक रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा ये कि उस पर मैंने अपना सांस रोक के रखना था एक से डेढ़ मिनट तक, और उसमें ठंडे पानी से होता ये हसन कि आपके अगर इफ़ यू आर वेयरिंग सिल्क ना तो वो आपकी बॉडी के साथ चिपकता है, तो मुझे अपने आउटफिट को इस साइड पे रखना था, हाँ अपने बालों को इस साइड पे रखना था, आंखें खोलनी थी, सांस रोक के रखना था, फ्लावर जो था मुझे मेक श्योर करना था कि उसकी डायरेक्शन जो है उसकी ये जो यानी पोजीशन है वो उसकी ठीक हो, और आपने अपने एक्सप्रेशन को सॉफ्ट दिखाना है, अच्छा आपका पॉस्चर होना चाहिए, यू नो इट वाज सो डिफिकल्ट। बुखार मुझे हुआ हुआ था सुबह और मैं तकरीबन कोई 3-4.5 घंटे में पानी के अंदर रही हूँ, और जब मैं निकली हूँ और उसके बाद फिर मुझे एक और जगह जाना था किसी ऑफिशियल काम से, उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी पूरी रात, और वो फ़्लाइट मेरी डिले हुई और वो 48 आवर्स मैंने किस तरह से गुजारी, लेकिन और उसके बाद यू नो आँखों में इन लोगों ने इतना ज़्यादा वो क्लोरीन डाली हुई थी उसकी वजह से मेरी आँखें बिल्कुल फारिग हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत की, मैंने शूट वाले दिन मॉर्निंग मैंने अपनी अम्मी से बात की, अम्मी कहती है नहीं बेटा तुमने इतना सीखा हुआ है, तुम कर लोगी, तुम हर चीज़ कर लेती हो, तुम तो बबर शेर हो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, तुम कर लोगी। अम्मा ने हौसला दिया, मैं गई 5 बजे निकली मैं अपने वो स्टूडियो के लिए, मैं पहुंची वहाँ पे और वो दे आर सो प्रोफेशनल, उनके लिए तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन बुखार में और वो जो सब चीज़ें होती हैं लाइक यहाँ पे उस किस्म की चीज़ें नहीं होती हैं, सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। यार वेल डन हुमैरा की, इतनी मेहनत के लिए, इतने चैलेंजिंग शूट के लिए तालियाँ। अब आगे चलते हुए हुमैरा, 2023 क्योंकि शुरू हो चुका है, किस तरह का ये साल लग रहा है प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे पता है कि आप एटलीस्ट 2 ड्रामों में अब आप हमें बहुत जल्द नजर आने वाले हैं इंशाल्लाह, सुना है कोई फिल्में भी पाइपलाइन में है, कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं क्या हो रहा है? एक्टिंग पे अब कंप्लीट फोकस है? बिल्कुल एक्टिंग पे है बिल्कुल, और वैसे मैं आपको बताऊं शायद आपसे भी चूंकि बात हो रही थी कि मैंने मॉडलिंग में आने से पहले आई वाज डूइंग माय सीरियस थिएटर, तो मैं लाहौर में मैंने रफी पीर थिएटर में आपने काम किया? रफी पीर थिएटर में और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के साथ मैंने तकरीबन कोई 6-7 साल मैंने काम किया है, और माशाल्लाह कवि खान साहब के साथ, फारूक जमील साहब के साथ, इन सब लोगों के साथ मैंने तकरीबन कोई 6-7 साल अलग अलग ड्रामा से मैंने काम किया है, तो एक्टिंग को लेके वो था हमेशा से मेरे अंदर, लेकिन फिर मॉडलिंग मैंने अपनी शुरू की क्योंकि उस वक्त जब मैं थोड़ा सा होश संभाला, वेट कम किया, उस वक्त तक थिएटर हमारी यानी उठा वो खत्म हो गया था थिएटर, अब यहाँ ठीक है। तो अब आगे चलते हुए इंशाल्लाह बहुत जल्द आप हुमैरा को देखेंगे टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में। हुमैरा मुझे एक बात बताएं, अभी हम तमाशा की बात कर रहे थे, ये जो तमाशा से निकली, क्योंकि हम जब देख रहे थे कुछ चीज़ें हमें इस तरह से दिखाई जाती थी, जैसे रऊफ लाला साहब के साथ आपका एक इंसिडेंट हुआ, वो ऐसा ही था जैसा हुआ या कुछ ऐसी फुटेज उसकी थी जो कि आम वाम पब्लिक तक नहीं पहुंची? तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जो हमें दिखाया जाता था वही अंदर भी हो रहा होता था, या कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई हो, जो हमने देखा हो वो शायद असल में ऐसा ना हो?